उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। बहराइच से बीजेपी की वर्तमान विधायक माधुरी वर्मा ने सपा का दामन थाम लिया। वहीं अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे के पिता और अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद राकेश पांडे भी सपा में शामिल हो गए। इसके अलावा कांति सिंह पूर्व एमएलसी, ब्रजेश मिश्र पूर्व विधायक प्रतापगढ़ और गजराज पूर्व प्रत्याशी बसपा ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला सपा ने लिया है और किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा, मिर्जापुर में फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस सोलर प्लांट का उद्घाटन किया वो योजना सपा सरकार की ही थी। चाहे ललितपुर, महोबा, झांसी या मैनपुरी रहा हो, सपा सरकार में सोलर पावर प्लांट लगाए गए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की कि रोजा थर्मल प्लांट तैयार हो गया जो नेताजी ने बनाया था। अनपरा डी का प्लांट भी समाजवादी पार्टी सरकार की वजह से लगा। एटा में सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाया और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनाते हैं आपको। पहले भी कह चुका हूं और 3 साल पहले कहा था, लेकिन हमारे पत्रकार भाई तमाम हमारे साथी हमको कहते थे कि जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि हम क्या कर रहे हैं। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा, 3 साल पहले। अब वो समय आपका आ गया है और पूरे प्रदेश में एक बीमारी बड़ी तगड़ी बा। वो बीमारी का बा, योगी जी मोदी जी के ललका सांड से पूरा प्रदेश परेशान बा। इसे निजात चाहता, ट्रामा सेंटर चले जाइए, 70% मरीज योगी जी मोदी जी के ललका सांड से लड़के आओ, ट्रामा सेंटर में जाके देखिए। हम लोगों ने मन बनाया है, मानी भावी मुख्यमंत्री जी बगल में है, ऐसे ही 2022 के बाद बगलिया में रहा। 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी से देख रहा है। गरीबों का इलाज फ्री में होगा और प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही, उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो गुंडई ज्यादा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुंडई भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। फर्जी पत्रकार चौथा स्तंभ होता है सरकार को आईना दिखाने का। जब मिर्जापुर में पत्रकार ने सही बात छापा सरकार को नोटिस में लेकर के काम करना चाहिए, तो उस पत्रकार को दिखाया, खाली अखबार में छाप दिया कि मिड डे मील योजना में विद्यालय में नमक रोटी खिलाई जा रही, उसको जेल भेज दिया। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। इस हिटलर शाही सरकार को सत्ता से बेदखल करना ओम प्रकाश राजभर ने मन बना चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने सभी साथियों के साथ 22वें मैदान में शपथ समारोह में आप लोगों को फिर याद दिलाऊंगा कि 3 साल पहले जो कहा है आज देखिए सपना साकार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती, हमारे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मुझे याद है जिस समय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुछ लोगों ने बिजली का कारखाना ना लगे उसके लिए बड़े पैमाने का आंदोलन किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि शाहजहांपुर में रोजा का प्लांट बिजली का लग करके तैयार हो गया, वो नेताजी का समय था। इसी तरह झांसी में जो बिजली का कारखाना लगा हुआ है, अगर उस समय समाजवादी सरकार ने वो फैसले न लिए हो गए होते तो शायद पारिशा का पावर प्लांट भी नहीं लग पाता जिसका उद्घाटन बाद में हुआ।
इसी तरह लैंको का एक पावर प्लांट जो सोनभद्र में लगा, अनपारा डी जो समाजवादी सरकार में पिछली बार स्वीकृत हुआ, एमओयू कर करके पुरानी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जो काम होना था सिंचाई का विभाग से पानी पहुंचना प्लांट तक, प्लांट को जमीन पूरी उपलब्ध कराना और प्लांट की वाकई उसके अलावा जो स्वीकृतियां प्रदान होती हैं उनको अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने, और उसका उद्घाटन भी अगर किसी ने किया था तो नेताजी ने किया था। 3x650 थर्मल प्लांट जो लंचपुर में बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद एटा में 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट जो जवाहरपुर योजना के अंतर्गत लग रहा है। हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते तो बिजलिया कारखाना जल्दी बनकर के तैयार हो जाता। हरिद्वार सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, पनकी में सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है 660, निवेली लिग्नाइट का उसमें कांग्रेस की सरकार थी, जायसवाल जी भी उसके बिजली मंत्री थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के शिलान्यास किया था और वो भी अभी कारखाना बनकर के नहीं तैयार हुआ है। अगर वो बिजली का कारखाना बनकर के तैयार हो जाता तो आज उत्तर प्रदेश के पास बिजली पर्याप्त होती। अध्यक्ष विशाल जनता पार्टी श्री कांशीराम श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय समर्थन पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्थवादी पार्टी कार्यालय पर हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखंड जलवंशी सेवा इस हाल में पहली बार आया हूं। आज के साथ सूचित कर रहा हूं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल जनता पार्टी श्री कांशीराम श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय समर्थन पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्थवादी पार्टी कार्यालय पर हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखंड जलवंशी सेवा इस हाल में पहली बार आया हूं।